रसमिल रहमान रहीम प्रोग्राम वासवा से माया हमीद भुट्टो अज वासवा जो पाँ है उनमें शंघाई समिट एस सी ओ शंघाई तावन वी जी तंजीम है बजार एक में चीन रूस एन मुल्क गर्जी ब हजार एक में पाण में माहौलयात ते कारोबार ते ऐं अमन अमान दहशगर्दी जे खात्मे जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ मुल्क़नि इदारो जोड़ियो उनखां पोइ पाकिस्तान ऐं भारत खे बि मेंबर तौरु शंघाई ताउन तंज़ीमुनि जे मुल्क में रुकनियत ॾिनी वई गुज़र ॾींहुं शंघाई ताउनि तंज़ीम जा जेके मुल्क़ आहिनि उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ मुल्क़नि जा वज़ीराज़म वज़ीर ख़्वाजा ऐं खोड़ सारा मुल्क़नि जा वज़ीर शिंगाई ताउन तंज़ीम जी टेवीह इजलास वारी कारवाई में शिरकत करण लाइ कल्ह खां पइजी विया अॼु सुबुह खां शिंगाई तावन तंज़ीम जी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हलंदड़ आहे जंहिंजी ओपनिंग पाकिस्तान शरीफ़ करे चुको आहे ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्क़नि जा सुबुह खां पाकिस्तान जी तरक़ी समेत हिन ख़िते जी तरक़ी ऐं पंहिंजे पंहिंजे मुल्कनि जे हवाले सां हिक ॿिए सां कारोबार जी ॾे वठि ऐं अमन अमान दहशतगर्दी जो ख़ात्मो ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्क़नि में जेका शिकताण आहे या हलंदड़ जेका जंग आहे उन खे रोकण जे लाइ तावन करण जे लाइ ॾाढियूं सॻारियूं ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि इन स सॼी शंघाई कार्फ जी सूरताल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं असां सां महिमाननि में सुल्तान इलाही पा कारोबारी शख़्सियत है मौजूद है बो मान अस चौधरी मोहम्मद अकमल भी असा गड है आ, सुल्तान भाई सबसे पहले तो मैं आपसे इस शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से बात करूँगा कि जिस तरह इस खिते के अमन अमान अमन अमान के हवाले से दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से आज सुबह बड़ी आ, बाहे मत किस्म की पॉजिटिव बातें हुई हैं और हमारे बहुत सारे ममालिकस जिसमें ईरान इंडिया के भी नुमायदगान शरीक हैं रूस बेलारस तर्कबस्तान और फ्रांस बहुत सारे हमारे चीन के नुमायदगान मौजूद हैं तो आप इस कॉन्फ्रेंस को किस तरह देख रहे हैं सबसे पहले तो मैं हमीद भुटो साहब आपका शुक्र गुज़ार हूँ आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी और इस मौजु पर बात करने का मौका दिया आज शंघाई का इजलास जो आपके हमारे मुल्क में जो हो रहा है एस एस सी ओ का ये जिस हालात के अंदर हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर इतने सारे मुल्कों का साथ होना आपका चीन रूस अफगानिस्तान और दीगर का हमारे इस मुल्क के अंदर इस खत्ते में एक साथ जमा होना एक बहुत ही अच्छा मैसेज बहुत ही अच्छा एक लेट, लेटर ऑफ वर्ड्स दुनिया में जाने का है एक प्लेटफॉर्म पे हम सारे हैं मुल्क <coughs> इस मुल्कों का आपस के अंदर इस पाक सरज़मीन पर उतरना इन तमाम मुल्कों का वज़र अजम उसके अंदर वजे ख़ारजा उनका साथ हमारे इस मुल्क के अंदर होना दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों का एक पॉजिटिव मैसेज जाना है इसके अंदर हमारे बहुत सारे शोबा हैं जैसे तोानाई का है जिसमें आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है जिसमें दीगर बिजनेस हैं बहुत सारी जगहें हैं इसके अंदर बहुत सारे लीगल्स मामलत हैं तो उसके अंदर हमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके मुल्क को बहुत ज्यादा फ़ायदा होगा जैसे कि हालात मुल्क के अभी डॉलर्स के देखा जाए तो डॉलर्स का इंक्रीज होना आपका आपके ट्रेडिंग का इंक्रीज होना आपके बहुत सारे शबाओं के अंदर चीज़ों का बढ़ना हमारे मुल्क का एक पॉजिटिव मैसेज आना है दुनिया के अंदर और इन सारे मुल्कों का साथ बैठना कॉन्ट्रैक्ट होना और बहुत सारी चीज़ों का आपस में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है तो इन मुल्कों का बहुत टाइम बाद बहुत अरसे बाद कहते हैं ना एक मिसाल दी जाती है देर आए दुरुस्त आए इस हालात में इस अवाम के दौर में इस परेशानी के दौर में हमारे वज़ी अजम शहबाज़ शरीफ साहब हमारे आर्मी चीफ़ आसिम मुनर साहब इस कॉन्फ्रेंस को बाकायदा के साथ अपने साथन के साथ ले कर चल रहे हैं अच्छे बातचीत कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं तो इन शह हमें उम्मीद है बहुत सारी चीज़ों पर ये एक अच्छी बेहतरी की तरफ हमारा मारा बेहतरी की तरफ यकीन जो आज की कॉन्फ्रेंस है इस मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरी की तरफ गामजन है और पाकिस्तान जड़ी तरी तरीक़े सा मुसलसल तरक्की करें पे मौजूदा हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान जंघाई कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करें चौधरी अकबर साहब ए पॉजिटिव कमु बि कयो आहे शंघाई तव्हां हुनजी जेका तनज़ीम आहे उन में समूह समूरा जेके मुल्क आहिनि रुक रुकनि उहे सभु मौजूदु आहिनि इन कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां तव्हां कीअं पिया ॾिसो ऐं हिन जा बुनियादी जेके मक़सदु आहिनि उहे सियासी बि आहे इक़्तिज़ादी बि आहे अमन अमान जे हवाले सां बि आहे इन समूरनि मक़सदनि खे अवां सम्झो था त असां हिन कॉन्फ्रेंस जे ज़रिए मुकमल करे सघंदासीं पूरो करे सघंदासीं हर साल ई कॉन्फ्रेंस थी रही आहे टेवीह भेरो पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस मेज़बानी पाकिस्तान करे रहियो आहे त अवां पिया ॾिसो वेरी मच बूटो साहब मुझे जहमत दिया आपने अच्छा मैं ये इसमें थोड़ा सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूँगा शहबाज़ शरीफ साहब को और जो मौजूदा हमारी इस्टबलिशमेंट है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इसमें प्ले किया है ये जो भी इस वक्त आप दौरे देख रहे हैं सऊदी वज़ी ने यहाँ का दौरा किया तकरीबन टू पॉइंट टू बिलियन डॉलर के जो एम ओ यूज़ हैं आ, वो साइन किए गए उसके साथ फिर मलेशिया के वज़र अजम आए उनके साथ हमारी ट्रेड के हवाले से बात हुई कि हम लोग गोश्त जो है वहाँ पर मलेशिया में आ, जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनसे जो है पच्चीस परसेंट जो हमारा पाम ऑयल है जो कि घी वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है वो हमारा मलेशिया से आ रहा होता है तो उनके साथ हमारी बायोटरल टाइज जो हैं वो इकोनॉमी के ऊपर वो बड़ी इम्पॉटेंट है तो अब ये जो एस सी है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके ज़रिए ना सिर्फ ये है कि तमाम जितने भी रुकन ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुक को मज़ीद मजबूत कर सकता है बल्कि आगे के लिए जो है वो रास्ते खुलेंगे आगे फिर अभी मल्टी लेटरल एक एस सी ओ समिट होगी फिर यहाँ से हम बायोट्रल की तरफ जो है वो मूव करेंगे और बायो के बाद जो है वो फिर हमारे जो ट्रेड और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इसमें फिर इंटरफेयर करेगी और बिजनेसेस को इनिशिएट करेगी हमारी जो जो इस वक्त अगर एस सी ओ हैं वो तकरीबन दुनिया का पच्चीस फीसद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहमी जो तजारत है वो आपस में वो पाँच परसेंट भी नहीं है अब कई ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान चाइना रशिया जो है वो मंगवा रहे होते हैं दूसरे इलाकों से मतलब वो एक चीज जो है रशिया पाकिस्तान से भी ले सकता है लेकिन पाकिस्तान जो है वो उस चीज़ को प्रॉपरली हम मार्केट नहीं कर पा रहे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ जैसे हमारे यहाँ पे इस वक्त जो गोश्त है उसकी एक्सपोर्ट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें सऊदी अरब है या यू है उसका बड़ा अहम किरदार है और वो लोग हमारे बहुत अच्छे बाहर हैं मलेशिया जो है वो खुद कह के, के गया कि हमें जो है ना वो गोश्त चाहिए इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें कॉटन है हमारी उसके बाद चावल हैं और दीगर जो हमारी ज़रूर मसनूआत हैं चीनी है ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे पास बाजे रकबा जो है वो एग्रीकल्चर एक 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 के हवाले से मौजूद है और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है कि जी आपने पहले इंडस्ट्री लगानी है फिर उसमें बिजली आएगी फिर गैस आएगी फिर उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे मशीनरी है तो इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट टेक्स टाइम लेकिन एग्रीकल्चर में क्या है जी हल चलाया और पानी डाला और छः महीने बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा तो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा स्कोप है इन सारे के साथ जो है वो हम एग्रीकल्चर के हवाले से चीज़ों को आ, एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है जो अफराधी क़वत जिसे हम कहते हैं चाहे वो स्किल्ड लेबर हो लेबर हो आईटी के प्रोफेशनल्स हो डॉक्टर्स हो इंजीनियर्स हो ये हमारे वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं अपनी खिदमत वहाँ पर कर सकते हैं जिससे हमारी अल्टीमेटली रेमिटेंसिस में इजाफ़ा होगा तो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है बेतहाशा वसाइल हैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हमें जो है वो एक एक मखसूस हालात चाहिए होते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं ना अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं अगर आप भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले आप जो है ना प्रॉफिट का भी बाद में सोचेंगे सबसे पहले आप ये सोचेंगे जी मैं जो पैसे लगा रहा हूं कम से कम ये तो महफूज हैं या नहीं है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सियासी तौर पे अगर आप देखें और एक मखसूस सियासी जमात जो है वो आपने ग़ौर किया होगा कि उनका बाकायदा एजेंडा है कि किसी भी तरीके से सियासी इसकाम तो आने ही नहीं देना और जो हुकूमत और एस आई एफ सी के हवाले से जो एफर्ट्स हो रही हैं माशी तरक्की की उनमें भी जो है वो रुकावटें खड़ी करनी है किसी न किसी तरीके से अभी देखें एस सी ओ समट के मौके के ऊपर जो है वो एक बाकायदा लॉन्ग मार्च और धरने वगैरह का ऐलान उन्हीं को जो जखसूस जमायत की आपने बात की तो इन्हीं उनको एहत धरना भी याद आ गया हाँ, और तो सारा इसी अपनी चमका बिल्कुल और आवाम को जो है ना इस चीज़ को देखना चाहिए ना कि अब हमारे एज ए होल देखिए पाकिस्तान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है अगर पाकिस्तान होगा तो सियासी जमाते होंगी सियासत होंगी और फिर बाद में लीडर्स होंगे लेकिन अगर आप पाकिस्तान की गोइंग कंसर्न के ऊपर मसाइल पैदा करेंगे पाकिस्तान की माशी तरक्की में रुकावटें पैदा करेंगे तो ऐसी सियासत से यार आप ना करो सियासत वो बेहतर है आप लोगों ने जो है ना वो सियासत के नाम के ऊपर ज़ाती अगर आपको हुकूमत का शौक़ है आ, तो वो उसको पूरा करना जो है उसके लिए अवाम की बली तो ना देना कि अवाम को आप गुमराह करें अवाम को जो है वो इसकी सज़ा दें गुर्बत आप देखें इस वक्त कहाँ पहुँच गई है बेरोजगारी कहां पहुंच गई है इसकी कोई एक सियासी जुम्मत बात नहीं करती है अब बात करते हैं तो जी वो जी हमारा लीडर जेल में उसको निकालें हमारा जो है ना फलाना जो तंजीम है उसके जो बुनियादी मकसद है ने। उन मकसदन के अव के पालस हो बुनियादी जो ढांचो ट हुए हो वो अवके पालिस हो एस uh, यो जो है वो 2001 में वजूद में आई थी और उसमें जो बुनियादी तौर पे इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो हमारी ट्रडिशनल नॉर्म्स हैं कल्चरल वैल्यूज़ का एक्सचेंज हो एक दूसरे की बामी तजारत को फ़रोग दिया जाए इकानोमी को फ़रूग दिया जाए आईटी को फ़रूग दिया जाए उसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से फ़रग दिया जाए ज़रात को इंडस्ट्री को इन सारी जितने भी शोबा हैं और ये लिमिटेड नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ़ आपने माशी लिहाज से ही देखना है इसमें आप माशरती लिहाज से भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं मसला अब अगर एस सी ओ समिट होती है तो वहाँ पर कल्चरल शोज का इनका किया जा सकता है कि और होगा इसमें कल्चर हाँ, ताकि उस उससे फिर मोहब्बत बढ़ती है एक दूसरे को जानने में ज्यादा मदद मिलती है तो सबसे पहले जो है ना वो मीशत से भी पहले ये कल्चरल वैल्यूज का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है ताकि वो हम उनका कल्चर समझ सकें वो हमारा कल्चर समझ सकें फिर एक दूसरों के साथ जो है वो अच्छे तरीके से पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो डिवेलप होंगे तो ये सारे अगराज व मकासदे एस सी ओ के तक के रीजन जो है ना इस खत में आ, जो हमारा है उसमें जो बाहमी तजारत है सबसे पहले तो वो अरूज पाए और उसके लिए बुनियादी जो जो चीज़ है वो यही है कि हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं दैट शुड बी एक्सचेंज आ, ये जो है ना उजागर होना चाहिए इस मामले को और इसको जो है ना वो मौजूदा जो अगर आप देखें हुकूमत है उसकी काफ़ी हद तक कोशिश है कि उसको उजागर भाई तजारत के हवाले से बहुत सारे माहदे ऐसी uh, समट में होने जा रहे हैं और बहुत सारी बातें कल से डिस्कस हुआ है और मलेशिया के जैसे बात की चौधरी साहब ने कि मलेशिया का जो वजी अजम है तो उन्होंने पहले से ही बहुत सारी कारोबार करने के हवाले से बात की आप एक बिजनेसमैन भी हैं तो जो तजारत के हवाले से मनसूबे होने वाले हैं तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं सर सबसे पहले यही देखा जाता है जब आप मुल्क के अंदर आप किसी हम इस जिस मामला हमारे मुल्क के चल रहे हैं इस सिचुएशन में हम एक सर्फ कर सर्वाइव कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं इस मुल्क के साथ उस चीज़ों का साथ तजारत का होना बिजनेस का होना एक हमें ज़रूरी है ठीक है हमारे मुल्क में पैसा आना हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आना तो उस इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी चीज़ों को फ़वाद हैं बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदे हैं बहुत सारे वसाइल हैं बहुत सारे मामलात हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ठीक है अब एक इतना दुनिया जैसे भाई सर ने बोला है बात करी है कि मलेशिया के साथ हमारा हर मुल्क के साथ कोई ना कोई हमारा एक बिज़नेस के साथ मामलाते हैं किसी मुल्क के साथ हमारा ऑयल का है किसी मुल्क के साथ हमारे साथ ज़री मामलाते किसी मुल्क के साथ बहुत सारी चीज़ें आप इस दौर के अंदर देखें हमारे अपने इस मुल्क का कोई ब्रांड नहीं है आपके आपके इस मुल्क का कोई अपना ब्रांड नहीं हम दुनिया के लिए काम करते हैं दुनिया के लिए ब्रांड बनाते हैं हम इस मुल्क के अंदर हम तरह तरह लोग हमसे अपने ब्रांड बनवाते हैं इस मुल्क के अंदर वो गारमेंट्स का सेक्टर हो वो सनईती सेक्टर हो वो आपका ज़रूरी सेक्टर हो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे इस मुल्क के अंदर मुल्क से रिलेटेड जो हमारे मामला तो हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं तो उससे ये है बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है हमारा मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है डॉलर्स का इंक्रीज का होने का फ़ायदा है बहुत सारी चीज़ों का बढ़ने का फ़ायदा है अब आप एक एक मिसाल को देखा जाए कि आप एक घर के अंदर जब आप किसी मेहमान को इनवाइट करते हैं तो हम उसकी उसी तरीके से तैयारी करते हैं हम उस घर को उसी तरह से रेडी करते हैं उस घर को उसी तरीके से हम सोचते हैं कि हमारा गेस्ट हमसे मुतमिन होकर जाए इन मुल्कों का उस तरह का आना मलेशिया का हमारे साथ बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों का बढ़ना तो हमारी बिजनेस कम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा फ़वद का मौका मिलेगा हमें इसका तो मैं इसको इसी अच्छी नज़र से इसी को देखता हूँ कि इसमें हमारी चीज़ों का बढ़े हमारे दुनिया के अंदर चाइना जिस तरह के आपका चाइना का सेक्टर एक, एक हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहा है गवादर पोर्ट के अंदर काम कर रहा है गवादर पोर्ट का एक अपना एयरपोर्ट का एक ओपनिंग हो रही है तो आप उस दौरान आप ये देखें हर मुल्क अपने ही जगह से आपको सपोर्ट कर ही रहा है आप बिलियंस ऑफ डॉलर एक एक बिलियंस के लिए हम हमारा मुल्क किसी दूसरे मुल्क के लिए जाता है मांगने लेने के लिए जाता है लाजिम आते वो उसी लिए लेने जाता है कि वो मुल्क का पैसा हमारे मुल्क में आए हम उसको तरक्की की तरफ सोचें हम नौजवानों को रोज़गार की तरफ लेकर कर जाएँ आज वो मुल्क आपके मुल्क के पास हैं आज जिस दुनिया की नज़र हम दूर से देख रहे होते हैं वो दूर वाली नज़र आज हमारे करीब है करीब, है। करीब, है। करीब हमारे आ गई चौधरी साहब माहौलियात माहौलियात जा जेके मसइला आहिनि गदलाण प्रॉब्लम्स सनती धुओं तमामु घणो वधे पियो हिन समिट में माहौलियात ते तमामु घणो फोकस कयो आहे ऐं एजेंडा में शामिलु आहे इन माहौलियात मामलन जे मामलनि खे शिंगाई कॉन्फ्रेंस जेकी समिट आहे इहे पिया सम्झो त मसल थी सघंदो हिनखे असां क्लाइमेट चेंज कयूं था त क्लाइमेट चेंज वॾा मसइला आहे हाणे सिंध में हिकु हिकु साल पोइ अवां ॾिठो आहे त हिन में तमामु घणो नुक़सानु थी वियो सैलाब बारिशूं गर्मी जेका आहे उहे उन जी ज़्याती आहे त इन सभ जी वजह जेका आहे क्लाइमेट चेंज आहे असां जेका आहे कार्बन प्रोड्यूस कयां थो उनमें पाकिस्तान जो एतिरो रोल कोन आहे भई ॿई दुनिया जेकी आहे वॾे ममालिक तरक़ी याफ़्ता जेके ममालिक आहिनि उनमें चाइना आहे रशिया आहे यू एस आहिनि हे मुल्कनि जा आहिनि कार्बन प्रोड्यूस कनि हिन जी वजह सां ओज़ोन जी तय आहे हू ख़राबु थिए थी ख़राबु थिए थिए ऐं हुन सां जेका आहे दर्जा हरारत या मौसम जेका आहिनि हुनमें तबदीलियूं थी कॾहिं अवां ॾिठो था त तमामु घणी गर्मी थी वेंदी आहे घणी ऐं सर्दी थी वेंदी आहे बारिश ॿिनि मौसम थी रही आहे त हिन सां भुगतण जे लाइ असांखे पॉलिसी एस सी ओ जे प्लेटफॉर्म सां ठाहिणु घुरिजे ऐं हुन में पाकिस्तान खे पंहिंजो मुक़दमो पेश करिणो त असां जेका आहिनि तमामु वॾो मुतासिर आहियूं इन क्लाइमेट चेंज सां पर असांखे को बि कंपंसेट हिन मामले में कोन कयो आहे त असांजा ई जा, जा, जा जेको केस आहे तमामु मज़बूत आहे ऐं कंपनसेशन वठी सघूं था हिननि मुल्क़नि सां ऑल दो हिननि पॉइंट ऑफ व्यू आ, क्लाइमेट चेंज के हवाले से पर असि हुकूमत है आ, उनके बहरहाल इन मामले के जोर से इनके आ, तेल गैस जा बि जेके मसइला आहिनि पाकिस्तान सां तमामु घणा लाॻिया पियल आहिनि हमेशह तेल महांगो थी थो वञे ऐं एजंडा में एस सी जी कॉन्फ्रेंस में ते ते, जो ते, तेल जो जो जे हवाले सां जेका रशिया सां असां जेका आहे मुआदा करे सघूं था हुनसां ज़ाहिर कॉस्ट में बि असांखे कमु थो पए तो तेल तेल बि ठीकु आहे हुन सां मुआदे मुआदो जेका आहे पोइ था हाणे असल जेको मसलो आहे न उहो क्लाइमेट चेंज जो मसइलो आहे पाकिस्तान जेका हुनसां मुतासिर आहे ठीकु आहे न त हाणे पाकिस्तान खे इहो घुरियो त जेका दुनिया आहे एसयू ओ समेट सां पंहिंजी आवाज़ तमामु मुल्क़नि खे पहुचायो अथव उन्हनि खे تمام متاثر बाबा असां जेका आहे तमामु मुतासिर आहियूं असांजो जेका जि, प्रॉब्लम्स आहे हिननि इन, खे सोल्व करो असांजी मदद कयो हिन मामले में सिंध जे सिंध जे सैलाब आहे पंजाब केपी में बलोचिस्तान में जेका आहिनि सैलाब घरु वर तमामु हिकिड़ो सुवालु त ओलह जा जेके मुल्कनि पाण में गॾु थिया आहिनि चिंगाई कॉन्फ्रेंस शिकिल में छा ओ ओ ओ ओ ओलह ताक़तवर बणिजी हिन कॉन्फ्रेंस जे ज़रिए साम्हूं उभरंदो बिल्कुलु शंघाई कार्पोरेशन ऑर्गनाइजेशन जेका है इन वॾी इंफ्लुएंस है मां चयो त दुनिया जो तक़रीबनि 25% फाइव पर्सेंट जेका कारोबार है इन्हनि मुल्क़नि जी वजह सां थींदो आहे ऐं रक़बो जेका आहे रक़बे जे, जे लिहाज़ सां चाइना रशिया पाकिस्तान इंडिया वॾा मुल्क न तक़रीबन थर्टी फाइव पर्सेंट ऑफ दि वल्ड जेका आहे हू इन्हनि मुल्क़नि ई एस सी ओ जी जेका कंट्री आहिनि इन्हनि में मौजूदु आहिनि त हीअ हिकु प्लेटफॉर्म आवाज़ बि इफेक्टिव थींदी थी हाणे थी। ज़रूरत सिर्फ़ु हिन ॻाल्हि जी आहे तमामु मुल्कनि पाण पाण में बामी जेका रवाबत आहिनि बाही जी तिजारत जेका आहे हुनखे तरक़ी ॾियण मसला काफ़ी चौधरी साहिब महिरबानी सुल्तानाही आपकी बि महिरबानी वासवा में असां सां गॾु चौधरी मोहम्मद अकमल तर्ज़नकार ऐं बिज़नेसमैन सुल्तान इलाही मौजूदु आहे जिन शिंगाई ताउन तनज़ीम जे हवाले सां जेका अॼु सुबुह इस्लामाबाद में हलंदड़ आहे मुल्क जे हिन ख़िते ते असर विझंदी ऐं हिन मुल्क खिते खे वॾा लाभ वारा जेके फ़ैसिला उहे थियण वारा आहिनि यकीन हिन मुल्क जी ऐं पाकिस्तान जी तरक़ी थींदी ईंदड़ प्रोग्राम वासवा में पंहिंजे मेज़बान हमीद भुटो ईजादु ॾींदा अलाह